जय हिंद साथियों, बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में। और इस भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि इस भर्ती से 25,000 अभ्यर्थी साथियों कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। क्या है पूरी अपडेट, वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बात करें इस अपडेट के संबंध में, तो आज के दैनिक भास्कर की ये साथियों न्यूज है जिसमें बताया गया है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पीजीडीसीए का रिजल्ट जारी नहीं होने से 25,000 अभ्यर्थी इस भर्ती से साथियों बाहर होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, कर्मचारी चयन बोर्ड 18 एवं 19 जून को पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन करने वाला है। इसमें साथियों नियम था कि इस दिन तक यानी परीक्षा के दिन तक आपको इस भर्ती की जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन 35,209 अभ्यर्थी ऐसे हैं साथियों जिनके पास जरूरी डिग्री या डिप्लोमा नहीं था लेकिन उन्होंने आवेदन कर दिया था। अब इनमें से 20 से 25,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास परीक्षा तिथि तक डिग्री या डिप्लोमा का परिणाम साथियों आना मुश्किल है। ऐसे में इनके भर्ती की दौड़ से बाहर होने की स्थिति साथियों पैदा हो गई है। भर्ती की विज्ञप्ति में कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ साफ ये मेंशन किया था, अपीयरिंग वालों के लिए निर्देश दिया था कि आपको परीक्षा तिथि तक इस भर्ती की जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको प्राप्त करनी होगी, अन्यथा आपको इस कॉम्पिटिशन यानी इस भर्ती से आपको बाहर कर दिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 9,862 पद हैं और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 295 पदों पर यह भर्ती साथियों आयोजित होने वाली है। कुल मिलाकर 10,157 पद इस भर्ती में होने वाले हैं। कुल आवेदक साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 2,21,966 है, जिसमें से 32,228 स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर वाले हैं और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 30,559 कुल आवेदक हैं और 2,977 यहाँ पर साथियों अपीयर वाले हैं। तो ये जो अपीयर वाले हैं इन पर साथियों अब बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर परीक्षा तिथि तक इन्होंने शैक्षणिक योग्यता नहीं प्राप्त की तो नोटिफिकेशन में यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 25,000 अभ्यर्थी इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट इस भर्ती से संबंधित, अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस भर्ती से संबंधित लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।